नरेंद्र कुमार हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं दिल्ली से। नरेंद्र जी नमस्कार, पूछिए क्या किस स्टॉक पे आप सवाल आपका है। सर, मेरा ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पे शेयर खरीदे मैंने, 110 शेयर है 134 पे, तो इस पर क्या करना चाहिए? ओके, तो आप मुझे बस अपना नजरिया बताइए, कितना समय दे सकते हैं आप। सर दे देंगे सर 1-2 साल। ठीक है, चलिए। सौरभ, मैं आपके पास आना चाहूँगा। ओला इलेक्ट्रिक का इन्होंने 133 के भाव पे ख़रीदा हुआ है, नुकसान यहाँ पर होता हुआ इनको आज भी हम देख रहे हैं कि 3% से ज़्यादा टूटा हुआ स्टॉक का, क्या करना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि लिक्विडिटी और मार्केट में जो यूफोरिया है उसके प्रभाव की वजह से हमने देखा कि लिस्टिंग के बाद स्टॉक में ऑलमोस्ट स्टॉक डबल हो गया है। लगता नहीं कि इतने क्रेडेंशियल्स हैं कि यह भाव होने चाहिए। अभी नई लिस्टिंग है क्योंकि ओनली प्योर प्ले है, तो मैं समझता हूँ कि निवेशकों का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बन गया जिसकी वजह से स्टॉक ने काफी ऊपर का स्तर देखा। मुश्किल लगता है कि इनका भाव जल्दी आएगा, ये कह पाना काफी मुश्किल रहेगा। और आज तकरीबन जो लॉक इन पीरियड था इन्वेस्टर्स का 30 डेज का, वो भी खुल गया है, तो मैं समझता हूँ सेलिंग और भी बढ़ सकती है। इन्होंने तकरीबन 100 शेयर ही लिए हैं, कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ से ये ध्यान रखें कि बिना बिना थोड़ा सा फंडामेंटल स्टडी किए ऐसे स्टॉक में पार्टिसिपेट ना करें। मेरी सलाह यहाँ पर इनको रहेगी कि ये निकल जाए तो बेहतर रहे। चलिए, तो यहाँ से निकलने की सलाह आप दे रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र से राजेंद्र सूर्यवंशी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार सर, क्या हाल चाल, मैडम नमस्ते जी। मैडम बताइए। मेरे RVNL है, 202 बाइंग प्राइस है। क्या बात है, 202 और 1150 शेयर है मुझे, क्या होल्ड करना क्या सेल करना? तो मुनाफा जो कमा रहे हैं उसके लिए तो बधाई सबसे पहले, ठीक है। और अब मुझे ये बताइए कि ये मुनाफा आपको बांधना नहीं है, बिल्कुल बने रहना है। और अभी क्या वो डाउन हो रहा है ना, हाँ इसलिए घबरा रहे हैं, अच्छा नीचे आ गया। तो नियर टर्म आउटलुक जानना चाहते हैं कि लंबा रुक पाएंगे? लंबा 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 ही रुकना है, लॉन्ग टर्म। हाँ, लॉन्ग टर्म ही रुकना है। ऑल राइट सौरभ, RVNL में और कितना इनको रुकने की सलाह देंगे, या आपके मुताबिक ये पार्ट प्रॉफिट बुक कर सकते हैं? जी, मेरे हिसाब से यहाँ पर इन्हें बिल्कुल प्रॉफिट बुक करना चाहिए। स्टॉक प्राइस टू परफेक्शन है, आने वाले 3-4 साल के भी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ऐसा लगता है कि प्राइस में बिल्ट है। तकरीबन 13-14 मल्टीपल पे प्राइस टू बुक पे चल रहा है, 80 का PE है। मैं समझता हूँ कि इन्होंने अच्छा निवेश किया था और अब अच्छे पैसे मिल रहे हैं और जल्दी मिल रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि और ज्यादा रुकेंगे तो शायद और पैसे बढ़ जाएंगे, ऐसा हो भी सकता है, लेकिन वैल्यूएशन के लिहाज से मुझे लगता है कि काफी महंगा है और यहाँ पर इन्हें बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह आपको दी जा रही है। MOIL में भी इन्होंने खरीदारी कर रखी है, MOIL 450 की बाइंग प्राइस पे तेजस। मॉइल भी एक लंबी अवधि की जो मूविंग एवरेज है 200 दिन के उसके करीबन ट्रेड कर रहा है, तो 380 का एक लेवल रहेगा जो उनको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। अगर 380 के नीचे स्टॉक जाता है तो मेरे हिसाब से स्टॉक में से एग्जिट करना चाहिए, और 380 होल्ड करके यहाँ से कोई पुल बैक रैली आती है तो आइडल लेवल टू एग्जिट द स्टॉक विल बी अराउंड 408 से लेके 410। बिल्कुल, तो ये राय है मॉइल पर। अभी हमने NMDC की बात की थी और उसी के साथ मॉइल पर भी हमने राय दे दी।